ये है पवन चक्की। अब आपको लगा होगा भैया इसमें क्या बड़ी बात है, पवन चक्कियां तो होती हैं, कई जगह पर होती हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत माना जाता है, लेकिन ये पवन चक्की कुछ खास है। जी हाँ, ये जिस जगह पे लगी हुई है उस जगह की वजह से ये और ज्यादा खास हो चुकी है। ये है गिर जंगल में हमारे शेरों को पानी का स्रोत मुहैया कराने वाली पवन चक्की। गर्मियों की मौसम शुरू होते होते जहाँ पर पानी की किल्लतें हर तरफ देखने को मिलती हैं, वहीं गिर के जंगल जो कि पानखर यानी कि पतझड़ के जंगल माने जाते हैं, यहाँ पर ये फरवरी से ही शुरू हो जाती है। सोचिए अगर हम इंसानों को पानी की थोड़ी भी किल्लत होती है तो हम क्या क्या कर जाते हैं, चिल्लाते हैं, बौखलाते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं, प्रशासन के सामने धरने भी कर देते हैं, लेकिन गिर जंगल के शेर ऐसा कुछ नहीं कर पाते और ना ही ये सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल पाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि गिर जंगल के ये शेर इस मामले में कुछ करने में समर्थ नहीं है, ये जो भी करेंगे वो शायद इंसान की बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर गिर जंगल में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ जाती है तो ये इंसानी रिहायशी इलाकों में अपना डेरा डाल सकते हैं, जो कि इंसान और शेर दोनों के लिए ठीक नहीं। इसीलिए हर साल वन विभाग के द्वारा गिर जंगल में ग्रीष्म की ऋतु शुरू होते ही पानी के कई सारे कृत्रिम स्रोत में पानी भर दिया जाता है। गिर और गिरनार के जंगल में हजारों की संख्या में ऐसे पानी के पॉइंट्स तैयार कर दिए गए हैं जिनमें बोरवेल या टैंकर के थ्रू पानी डाल दिया जाता है और कुछ जगहों पर पवन चक्की के थ्रू पानी सींचा जाता है, जो कि वन विभाग के लिए काफी आसान हो चुका है। और इनमें हमारे जंगल के शेर, तेंदुए और साथ में कई सारे तृणभक्षी प्राणियों की तृषा भी तृप्त होती है। वैसे अगर कुदरती पानी के स्रोत की बात की जाए तो गिर जंगल में 6 नदियां बहती हैं, लेकिन फरवरी आते आते उनमें भी पानी सूखता चला जाता है, जिस वजह से पानी के इन पॉइंट्स के आसपास ही शेर अपना डेरा डाल देते हैं। जैसे कि इससे पहले की अपनी फिल्म में भी मैंने कहा था कि शेर वैसे तो पूरा दिन आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं और शाम को शिकार पे निकलने से पहले वो अपनी प्यास बुझाने के बाद ही शिकार पे जाते हैं। गिर जंगल में शेर, तेंदुए और दूसरे तृणभक्षी प्राणियों का कंजर्वेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, जिसका ही परिणाम है कि गिर में सिर्फ शेरों की आबादी नहीं बाकी दूसरे प्राणियों की भी आबादी काफी हद तक बढ़ी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन सारे प्राणियों की आबादी बढ़ने के बाद अब जंगल थोड़ा छोटा जरूर पड़ेगा, लेकिन गिर के साथ साथ बरड़ा, मितियाना
और गिरनार के जंगलों की वजह से गीर जंगल की और भी रेंज बढ़ती जा रही है, जिस वजह से शेरों के साथ साथ दूसरे प्राणियों के लिए भी रहने का विस्तार और बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि वन विभाग के लिए अब ये ज़्यादा काम बढ़ चुका है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके लिए पानी मुहैया करवाएं। आप हैं समीर के साथ, देख रहे हैं गुज्जू बॉक्स।